First, you have to set a target. Day one entrepreneur बन जाइए, आपके पास अगर आइडिया है कोई. Our education system is somewhere responsible for this. आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है कि आपकी कंपनी में क्या एनवायरमेंट होगा, किस तरीके से आपको डील करना है. बिजनेस शुरू करने का एज नहीं है. इट्स नेवर टू अर्ली एंड नेवर टू लेट. नेटवर्किंग इज द बेस्ट आइडिया टू स्टार्ट एनीथिंग. उन लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहोगे जिनका मन तो होता है बिजनेस करने का, लेकिन अपने फैमिली के कारणों से या बहुत सारे जो कारण हैं उनकी वजह से वो जॉब जो है वो छोड़ नहीं पाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अंकित के बारे में बता दूं. अंकित ने 2017 में उत्तराखंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से अपना बीटेक कंप्लीट किया. उसके बाद 2 साल इंडस्ट्री में जॉब की है और उसके बाद जो है अपना खुद का जो है बिजनेस चला रहे हैं. इनकी कंपनी का जो नाम है वो है एकांतिक सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसमें ये आपका डायरेक्टर है, अपनी कंपनी में CTO है. तो अंकित आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सर फॉर वेलकमिंग इन योर चैनल एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई got a chance to present myself in your channel and to put my views on your viewers so that they can get educated and they can get benefited okay. from that. Thank you. Welcome, Ankit. तो अंकित थोड़ा सा इसको हमने informal रखेंगे. जैसे अभी तक हम discuss कर रहे थे, आपने जो है वो दो के दो phase देख लिए, आपने job वाला phase भी देखा है और आप खुद जो है इस time पे जो लोगों को job पे रख रहे हैं. तो एक जो यहाँ पर अगर हम आज के यूथ की बात करें, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि उनके पास जॉब नहीं है जी. तो आपका इसमें क्या व्यू है? सर देखिए, मेरा मानना ये है कि जॉब्स की कमी नहीं है, जॉब करने वालों की कमी है. ठीक है, ये सबसे मेजर पॉइंट जो हमें भी एक लगता है कि व्हेन वी गो टू फाइंड अ सुटेबल कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट्स लाइक एंट्री लेवल पे दे आर नॉट रेडी टू डू दैट एंट्री लेवल जॉब. बट अगेन कोई भी इमारत को बनाने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए. तो वही चीज होता है कि आपको एंट्री लेवल पे इफ यू वांट टू कंटिन्यू एंड यू वांट टू ग्रो, आपको एक एंट्री लेवल पे कभी तो करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गो टू अ सर्टेन हाइट. ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि पहले आपको एंट्री लेवल पे जाना चाहिए एंड फिर आपको धीरे धीरे प्रमोट करना, कंपनी प्रमोट करती है एंड यू कैन बी लाइक विद इन 10 ईयर्स और 5 ईयर्स यू कैन बी ऑन अ वेरी गुड पोजीशन. ठीक है, थोड़ा सा हम बैक पे चलें, यानी अगर हम 2016-17 की बात करें, जब आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थे, तो अभी जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या जिसने जस्ट कंप्लीट किया है, उसके मन में तो यही रहता है ना कि यार मेरे को कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है, तो उसको क्या कहना चाहोगे आप? सर देखिए, कोई भी चीज़ होती है वो बैठ के नहीं मिलती है, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, निरंतर कई दफ़ा निरंतर प्रयास करना पड़ता है. सो जो फोर्थ ईयर में है उन लोगों ने ट्रेनिंग भी किया होगा एंड कितनी ऐसी कंपनीज है जो जहाँ पे आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो, जो आपका समर इंटर्नशिप जिसको हम बोलते हैं, तो वहीं पे वो लोग आपको प्लेसमेंट ले लेते हैं. तो आपका सबसे पहला चीज क्या है कि आपको बैठ के चीजें चाहिए. आज की जो यूथ की प्रॉब्लम्स है, दे डोंट वांट टू पुट एफर्ट्स बिहाइंड थिंग्स. तो वो जो एक पीछे सपोर्ट होगा, ठीक है, वो आपका चलता है, बट जो एक एफर्ट करना चाहिए उस जॉब को लेने के लिए, वो एफर्ट नहीं डालना है. दे सिंपली वॉन्ट कि डे वन ही उनको एक लाइक गाइडिंग रोल मिले कि जहां वो लोगों को गाइड करे. इफ यू आर कमिंग फ्रॉम कॉलेज, पहले आपको इंडस्ट्री को समझना होगा, बिकॉज आवर एजुकेशन सिस्टम इज समवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है कि आपकी कंपनी में क्या एनवायरमेंट होगा, किस तरीके से आपको डील करना है. आप अगर बिजनेस डेवलपमेंट टीम में जाते हैं तो वहाँ कैसे बिजनेस डेवलप करना है, क्या ट्रिक्स टैक्टिक्स यूज करने हैं, प्रोडक्ट के मैनेजमेंट में है वहाँ क्या करना है, नथिंग विल बी टॉट इन दिस. ठीक है, सो मैं यही कहूँगा कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा. देर आर मल्टीपल कंपनीज, अभी इंडिया इतने अच्छे ग्रोइंग फेज में है कि जहाँ पे कंपनीज सेटअप हो रही हैं. सो व्हाट दे नीड एम्प्लॉयज. ठीक है, इंडिया के पास वो एम्प्लॉयमेंट है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन. सो इफ यू आर ईगर, लाइक आपको करना है एंड यू कैन डू एफर्ट्स, आई एम सिंपली सेइंग विद इन 15 डेज यू विल लैंड अ जॉब. ओके, ठीक है. तो व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, अभी अंकित और मैं डिस्कस भी कर रहे थे कि हमको एक जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा, बट हम उसको अभी थोड़ा सा बाद में हम डिस्कस करेंगे. पहले हम दोबारा से चलते हैं आपका 2017-18 में जब आपने जॉब की है, तो कोई ऐसा इंसिडेंट आप बताना चाहोगे जिससे लोगों को लगे कि हाँ कि जो जॉब है, जैसे आप कल तक बात कर रहे थे कि आपने अपने कुछ फ्रेंड्स की जॉब लगवाई थी, तो वो थोड़ा सा कोई ऐसा इंसिडेंट आप बताना चाहोगे? देखिए, होता क्या है कि जब मैं 17 में जॉब कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था एंड उसके बाद फिर हमने कंपनी में जॉब किया, दैट वॉज द स्टार्टिंग इनिशियल फेज एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स टू माई फर्स्ट कंपनी
जिन्होंने बहुत अच्छा हमारा डेवलपमेंट किया, हम लोगों को बहुत ही मतलब बारीकी से चीज़ों को समझाया। सो ये होता है कि अगर मैंने वहाँ नहीं किया होता तो मैं आज अपनी कंपनी स्टेबलाइज नहीं कर पाता। दो साल जॉब में जो किया है। जी बिल्कुल। और उसमें सबसे पहली कंपनी का योगदान ज्यादा आता है, बिकॉज वो एक हम लाइक कॉलेज से निकलते हैं तो एक हमारे अंदर सीखने की एक कैपेबिलिटी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है कि वी हैव टू डू इट। सो वहाँ वो था, उन्होंने सिखाया, हमने सीखा, उसी की बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको करना होगा, आपको सीखने अपना एक माइंडसेट बनाना होगा। आई हैव टू लर्न, आई डोंट हैव टू अर्न। ठीक है, आप लर्न करो, आप अर्न खुद कर लोगे। आप अर्न करोगे तो लर्न नहीं कर पाओगे, पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। सो अभी आते हैं अगर जॉब की बात करें, अभी मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, मैंने लाइक एक कंपनी था नॉन कंपनी मेरा, एंड वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि कुछ अगर लड़के हैं एंट्री लेवल में और वी आर गोइंग टू लाइक ऑफर एक्स अमाउंट, आप हमें दे दीजिए। सो मैंने कुछ नॉन्स को ही टारगेट किया, बिकॉज उस टाइम पे कुछ जूनियर्स भी थे एंड और भी थे, तो मैंने बोला ठीक है, आई विल रिकमेंड समवन। मैंने रिकमेंड किया एंड यू विल नॉट बिलीव, एक दिन में बंदा जॉब छोड़ के चला जाता है, कहता सर इट्स वेरी लो एंड एज पर इंडस्ट्री जो आपके नॉर्म्स हैं मिनिमम वेज, उससे ऊपर ही वेज थे, बट स्टिल दे आर लाइक वी डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू एंड स्टिल आई थिंक आज पता नहीं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट दे वर नॉट विलिंग टू डू दैट। उसके रिप्लेसमेंट पे जो हमने भेजा वहाँ पे, ही इज डूइंग टूडे एंड ही इज अर्निंग गुड, बिकॉज उसने वो कैपेबिलिटी है, उसने सीखना चाहा, उसके अंदर एक ईगरनेस थी कि नहीं मुझे करना है, आई विल डू इट। सो वो किया और आज अच्छी पोजिशन पे है। ठीक है, सो यू हैव टू वर्क इट। बिल्कुल ठीक है। तो अंकित, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम आपके बारे में बात करें, आप में लीडरशिप स्किल पहले से ही आपका थी, तो जैसे हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे, या अगर हम एक उत्तराखंड के रेस्पेक्ट में बात करें, तो यहाँ से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो गांव की पृष्ठभूमि से आपका आते हैं या पहाड़ से आपका आते हैं, तो उनका जो है पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो उतना उनको एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? सर देखिए, जो सबसे बड़ा एडवांटेज एक इस बैकग्राउंड से मैं लेता हूँ, मैं पर्सनली जो लेता हूँ, देखिए द पर्सन हु इज कनेक्टेड विद रूट्स, चांसेस आर हाई ही इज गोइंग टू बी अ लॉयल पर्सन। कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी डेवलपमेंट आपका कर देगी वो, ठीक है? उसको चाहिए लॉयल्टी, ठीक है, बिल्कुल, कि बना रहे मेरे साथ, जुड़ा रहे मुझसे। तो ये एक एडवांटेज है कि लोग जो पहाड़ से आते हैं, एंड आई विल नॉट से कि आजकल हर एक जगह काफ़ी डेवलप्ड बच्चे हो रहे हैं, दे आर लर्निंग फ्रॉम मेनी वेज। सो एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज आता है कि दे आर वेरी लॉयल टू द कंपनीज इन मेनी केसेस एंड मेनी टाइम्स, जो कि उनके पास एक एडवांटेज है अदर्स के अकॉर्डिंग, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द रूट्स। एंड अभी एज पर इंडियन कल्चर हेरिटेज इन सब को देखते हुए आजकल उसकी डिमांड हो गई है, ठीक है, लोग वो जुड़ना चाहते हैं रूट से अपनी। अगेन एक कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है, पीपल्स आर गेटिंग कनेक्टेड टू द रूट्स, उनको एक लाइक इम्पोर्टेंस पता चली है कि रूट्स की और कल्चर की क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है वो। सो इवन स्टडीज भी हो रही हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी चल रहा है इस चीज़ों पे, सो दे आर गेटिंग कनेक्टेड, तो वो एक बेनिफिट है। एंड वो अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए दे आर मल्टीपल चैनल्स, इवन सम ऑफ योर वीडियोज आर ऑल्सो रिलेटेड टू दैट, जहाँ पे वो लोग सीख सकते हैं, आपके चैनल पे भी जाके वो देख सकते हैं वीडियोज़ को, एंड दे कैन फिल्टर आउट एंड दे कैन लर्न फ्रॉम दैट। बट अगर कॉलेज के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं, ठीक है, कि कॉलेज में कब उसको देखना है, देखिए सी फर्स्ट यू हैव टू सेट अ टारगेट। ओके, पहले आपको या तो आप डे वन एंटरप्रेन्योर बन जाइए, आपके पास अगर आइडिया है कोई, अगर नहीं है तो आई विल रिकमेंड आप इंडस्ट्री में जाइए, इंडस्ट्री से लर्न कीजिए चीज़ें, आप अपना डेवलपमेंट कीजिए, एंड देन यू हैव सम आइडिया और कोई भी आपको लगता है आई कैन स्टार्ट इट, आई हैव लाइक कैपेबिलिटी, आई कैन टेक द रिस्क, तो आप लीजिए उसको। बिकॉज सी रिस्क लेने का एक एज नहीं है, कोई भी बिजनेस शुरू करने का एज नहीं है, इट्स नेवर टू अर्ली एंड नेवर टू लेट। ओके, तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जो आपका स्विच जो आप कह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप बताना चाहोगे, आपने बीटेक पास आउट किया, उसके बाद आपने जॉब की, कंपनीज आपने चेंज की है, फिर आपने जो रिस्क खुद का लिया है, तो वो थोड़ा सा जर्नी आप वहाँ पे बताना चाहोगे? देखिए सर, मैं 17 में बीटेक पास आउट किया एंड 17 मैंने जॉब किया दिसंबर तक, और फिर 18 जॉब किया। मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई बिजनेस से नहीं है, ठीक है, सो आई हैव सफर्ड अ लॉट,
मैंने खुद ही सारे रिसर्च किए हैं कि कंपनी फॉर्मेशन के लिए क्या क्या लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमें निभानी होगी, क्या क्या कंप्लाइंस मेंटेन करने होंगे कंपनी के। सो इनिशियली क्या होता है कि आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, बिकॉज इंडिया में मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर लाइक, पहले की मैं बात करता हूँ तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है, एक बंदा होता था फैमिली में एंड ही यूज्ड टू अर्न, मैं ऊपर के लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक लेवल की बात, मिडिल क्लास के जो, राइट राइट। सो अभी उन लोगों को बिजनेस करने में बहुत दिक्कत आती है, दिक्कत ये आती है कि उनके साथ बैकग्राउंड नहीं होता है, बैकग्राउंड की कैसे हम करें, क्या हमें गाइडेंस मिले। सो उसी पर्पज से मैं कहता हूँ कि आप पहले इंडस्ट्री में जाइए, वहाँ पे सीखिए, लोगों से मिलिए। सी, नेटवर्किंग इज द बेस्ट आइडिया टू स्टार्ट एनीथिंग। ओके, आप जब तक नेटवर्किंग नहीं करेंगे आप सक्सेसफुल के चांसेस आपके कम हो जाएंगे या देर में मिलेंगे, राइट, एग्जैक्टली। सो नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद क्या होता है कि आप वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं, वहां से आप लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरे केस में क्या हुआ था, आई यूज टू लाइक, जब मैं ऑफिस जाता था 9 o'clock, मेरा लाइक ऑफिस टाइमिंग सेम रहता है, मैं 7 बजे निकलता था ऑफिस के लिए एंड रात को 7 बजे तक आता था शाम को, 12 घंटे 13 घंटे मेरा जॉब रहता था, और राइट, इट्स अन 8 आवर्स शिफ्ट, ठीक है। देन मैं रात को 2 या 3 बजे तक आई यूज टू रिसर्च क्या कंप्लायंसेज है, क्या चीज हमें करनी है, क्या मेंटेन करनी है, कौन सी चीज एनुअली मेंटेन होती है। सो यू हैव टू टेक द नॉलेज ताकि आप मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट कर सको। सो उसके बाद फिर काफ़ी मतलब दिक्कतें आईं, बट फाइनली आई टुक द स्टेप कि नहीं, अब मुझे कर देना है। फिर मैंने स्टार्ट किया, देन वी गॉट सफर्ड फ्रॉम कोविड। मैंने 18 में स्टार्ट किया एंड 20 में कोविड आ गया, बट ड्यू टू गॉड आप कह सकते हैं कि हमें उतना नुकसान नहीं हुआ कोविड में, बिजनेस वॉज रनिंग क्वाइट गुड और आज की टाइम में भी अच्छा चल रहा है चीज़ें। दुआ है, बस आशीर्वाद है आपका, गुरु का और बाकी लोगों का, ठीक है अंकित। अब यहाँ पे मतलब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप इंडिया में नहीं, आप जो है बाहर भी जो है, आपने US में बताया था, वहाँ पे भी आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, right. तो वो जो नेटवर्किंग में ही आपका आया, तो वो कैसे कॉन्टैक्ट आपका हुआ था फिर? राइट सर, देखिए जो बेसिकली होता है कि हमारा एक ब्रांच एकांतिक इनकॉर्पोरेशन, वो कनाडा में भी है, और बेसिकली देखिए होता क्या है कि आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया में ही कंज्यूम होगा, इट कैन बी कंज्यूम्ड आउटसाइड इंडिया। मैं जो सर्विस देता हूँ उनके लाइक, बाहर से हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो उनको भी लाइसेंस लेना है, हम लोग उनको सर्विस देते हैं, वही अगेन नेटवर्किंग। हमने वहाँ पे नेटवर्किंग बनाया, लोगों को थोड़ा हायर किया, उनसे इंफॉर्मेशन लिया, उनको रीच आउट किया और एक क्लाइंट बेस बनाया। तो नेटवर्किंग अगेन आई टोल्ड यू लाइक, ये सबसे जरूरी चीज है एक बिजनेस को, एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए और एक अलग हाइट्स पे लेके जाने के लिए नेटवर्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपका जरूरी नहीं है कि आप भी आज इंडिया में बिजनेस शुरू करते हो, कितना मैन पावर ऐसा है कि USA का मैन पावर बहुत ही महंगा है, बिल्कुल एज कम्पेयर टू इंडिया। हमारे लिए $100 दिन का बहुत हो जाता है, इट्स 7,000, इट विल कॉस्ट यू आर लाइक पैकेज ऑफ 2,10,000 अगर मैं रफली आइडिया बात करता हूँ। एंड USA में $100 अ डे इज नॉट अ गुड पैकेज, बिकॉज अगेन PPP परचेज पैरिटी पावर वहाँ का हाई है, यहाँ का लो है। सो वो लोग क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं अपना काम, ठीक है, कि भाई हम यहाँ मेंटेन नहीं करेंगे इसको, आप इंडिया में मेंटेन कीजिए। सो यू कैन रिसर्च ऑन इट कि भाई ठीक है, हम यहाँ इसको मेंटेन नहीं करें, इट विल कॉस्ट अस क्या बिजनेस ऐसा हम कर सकते हैं, ये उनके लिए है जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो वो एक मार्केट रिसर्च कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो US आउटसोर्स करता है अदर कंट्रीज को, ठीक है, तो आप वहां पे उसका एक्सपर्टीज लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए और वो क्लाइंट को ग्रैब कीजिए, तो आप अपना उस सर्विस देना शुरू कीजिए एंड विल स्टार्ट अर्निंग और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं वहां से, वो भी, ठीक है। बहुत बढ़िया अंकित। अंकित अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और है आपसे, क्योंकि जो एक फेस होता है ना, जॉब जो कर रहे हैं उनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ा सा कम होती है या उनको डर लगता है कि भाई अगले महीने तनख्वाह कहाँ से आएगी, ये सबसे बड़ा डर होता है। तो आपने वो स्विच ओवर किया हुआ है, ठीक है, वो सेफ्टी जो है, आपने दो साल जॉब की है, तो उन लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहोगे जिनका मन तो होता है बिजनेस करने का, एंटरप्रेन्योरशिप में आने का, लेकिन अपने फैमिली के कारणों से या बहुत सारे जो कारण हैं उनकी वजह से वो जॉब जो है वो छोड़ नहीं पाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा लगा मुझे,
क्योंकि देखिए इस पे सबसे गौर करने वाली बात है, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में जो नहीं करता और बीच में जो स्विच करके करना चाहता है, मैं भी उनमें से एक हूँ, तो इसके लिए जिसने फील किया होता है उस चीज को, एक्सपीरियंस किया होता है, उससे बेटर उसको कोई नहीं समझा सकता। सो आई कैन एक्सप्लेन इट, मैंने किस तरीके से स्विच किया था कि जब मैं जॉब पे था तो आई हैड अ माइंडसेट कि मुझे अब बिजनेस पे स्विच करना है, आई हैव टू ट्राई, आई हैव टू टेक रिस्क। देखिए जब आप कॉलेज से बाहर आते हैं ठीक है, तो आपका विद इन 1 or 2, 3 years, 4 years आप मैरिड नहीं होते हैं, बीइंग ऑन द रियलिटी ग्राउंड्स, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स, आप मैरिड नहीं होते हैं, तो आपके ऊपर एक फैमिली प्रेशर नहीं होता है, बिकॉज फैमिली में इफ यू आर द सोल अर्नर, बिकॉज पेरेंट्स भी अर्निंग होती है अगर आपके पास बैकअप में है, तो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। अगर आप सोल अर्नर नहीं है तो आप इसको इस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि आप एक माइंडसेट बनाइए कि नेक्स्ट 6 महीने के बाद में मैं जॉब छोड़ के बिजनेस स्विच करने वाला हूँ। स्टार्ट सेविंग फ्रॉम योर जॉब। आपको कभी ना कभी तो देखिए एक वो हार्श लाइफ, हार्ड लाइफ वो जीनी पड़ेगी। बिल्कुल, सेविंग करनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू बिकम समथिंग यू हैव टू बी अ बिट हार्श इन स्टार्टिंग और इनिशियल डेज। सो वहाँ पे क्या होगा, यू हैव टू लाइक आप कुछ पार्ट सेव कीजिए उसमें से। लाइक अगर मैं 6 महीने की बात करता हूँ, 6 महीने पहले आप अर्निंग्स आपका सेविंग करना शुरू करते हैं, तो आप इतना सेविंग कीजिए 6 महीने में कि जिस दिन आप छोड़ रहे हैं आपके पास मिनिमम 3 to 4 months का सैलरी हो जाए। दैट मीन्स 50% आपको सेव करना है। अब दैट्स योर मैनेजमेंट। पहली चीज आप जो बिजनेस में सीखोगे मैनेजमेंट। यहाँ से आप क्या करोगे, आप अपनी फंडिंग का मैनेजमेंट सीखोगे कि आपको अगर 3 महीने का एडवांस सैलरी सेव करना है अपनी करंट 6 महीने की सैलरी से, तो आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो जाएगी फंड्स यूटिलाइजेशन, सबसे पहली स्किल। आगे जैसे ही आप छोड़ देते हैं, गिव योर सेल्फ 3 months, यू विल बी हैविंग इन ऑन हैंड इन योर सैलरी। उसको अगर मैं कहूँ कि आपने 3 महीने सेव किया है, तो 3 महीने हाफ में आपने लाइक अपना लिवलीहुड चलाया है, तो दैट मीन्स आपने 3 महीने की सैलरी सेव की, वो आपका क्या बन जाती है, 6 महीने का बफर बन जाती है। तो आपके पास 6 महीने हैं अपने आप को प्रूव करने के। बिल्कुल, ट्राई आप रिस्क ले सकते हो, बिकॉज सी दिस इज नॉट समवेयर लाइक कि आपको जॉब नहीं मिलेगा। इफ यू हैव द टैलेंट, इफ यू वांट टू गो इन दैट फील्ड, दैट मींस यू हैव समथिंग इन यू, कंपनी विल हायर यू अगेन। बिल्कुल। सो आप इवन आज की डेट में कंपनीज बहुत ओपन हो गई हैं, आप उनको बोल सकते हो, सर आई वांट टू ट्राई टू इन्वॉल्व इन अ बिजनेस एंड आई विल गिव मी 6 months। कंपनी आपको टेन्योर दे देती है कि भाई ठीक है 6 महीने आप ट्राई करो, नहीं होते आप फिर से आ जाओ, वापस आ जाओ इफ यू हैव द कैपेबिलिटी अगेन। सो वो 6 महीने आपको प्रूव करना होगा। उस 6 महीने में मैंने जो किया था, लाइक फर्स्ट मंथ मेरे को एक ऑर्डर मिल जाता है, उस ऑर्डर में से मैंने सेव किया। सेकेंड मंथ मेरे को 2 ऑर्डर मिला, मैंने उसमें से सेव किया। थर्ड मंथ मेरे को 1 ऑर्डर मिला, तो कुल मिला के 4 ऑर्डर मिला। अगेन वो 4 ऑर्डर में से मैंने सेव किया कि मेरा 2 मंथ का सैलरी और आ गया। बिल्कुल, तो वो मेरा क्या हुआ, 6 महीने अब क्या हो गया, 8 महीने हो गया है। इस तरीके से वो पीछे वाला आगे ऐड हो जाता है, और ऐसे क्या होता है, एक साइकिल अटेन हो जाती है और एक आपका पूरा सर्कल बन जाता है, और आप अपना रिस्क से बाहर आ जाते हैं। अब बात करते हैं रिस्क की। देखिए कुछ फैमिली बैकग्राउंड्स में बिजनेस का डोमेन नहीं होता है, उनको खुद ही करना होता है। सी इफ यू वांट टू बिकम समथिंग यू हैव टू डू समथिंग। आप जितना कहते हैं ना, देयर इज अ वेरी ओल्ड सेइंग हमने पढ़ी है, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। बिल्कुल, जितना आप घिसोगे उतना वो आपको निखार के देगा। डायमंड्स कहाँ से मिलते हैं, घिसने के बाद। हाँ ठीक है, राइट। तो वही चीज होती है कि आप अपने आप को चमकाओ। जितना आप चमकाओगे उतना आप चमकोगे। बिल्कुल, उतना आपका बेनिफिट होगा। सो यही फेज है, आपके पास फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके पास दूसरी फैमिली नहीं है, दैट मींस आपकी वाइफ बच्चे, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो आप एक फेज होता है कॉलेज के 5-6 साल के ड्यूरेशन में, जब तक आप मैरिड नहीं होते हैं, तो आप अपने आप को एक रिस्क लेके देख सकते हैं। यू कैन ट्राई अ रिस्क, क्योंकि बाद में मैं कहता हूँ कि एक क्राइटेरिया बढ़ जाता है रिस्क कि भाई माइट बी कुछ अनसर्टेनिटी हुई, व्हाट यू विल डू। उस टाइम पे तो नहीं ना, यू आर अ सिंगल पर्सन। सो आई विल रिकमेंड कि अगर रिस्क लेना है एंड वांट टू टेक रिस्क इन अ सेफ जोन, तो वो यही है। कॉलेज करो आप अपना, आप अपने स्किल्स को डेवलप करो, 1-2 साल 3 साल कंपनी एक्सपीरियंस लो, आप अपने आप को डेवलप कर लो, उसके बाद एक बार रिस्क लेके देखो। ट्राई इट वंस, काम कर जाता है अच्छी बात है, अदरवाइज कंटिन्यू योर जॉब। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अंकित लास्ट में एक छोटा सा मेरा आपको क्वेश्चन ये है कि आप हमारे जो यूथ है उसको क्या आप एडवाइस करना चाहोगे?
सर देखिए, मैं यूथ को यही बोलूंगा, इंडिया इज अ इमर्जिंग इकोनॉमी, ठीक है। लोगों को लगता है कि सभी बिजनेस करेंगे तो एम्प्लॉय कौन बनेगा, मैं कहता हूँ सभी बिजनेस करेंगे आप एम्प्लॉयज, कुछ ऐसे बिजनेस भी है जहाँ पे आप सिंगल हैंडेडली कर लेते हो, एक सिंगल पर्सन जो कि हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे चाइना की कल बात करते हैं, हर घर में बिजनेस है, हर घर में बिजनेस है, तो आप उस चीज को डेवलप कीजिए, कुछ एक आपको ग्रुप मिलेगा जो आपका एम्प्लॉय बनेगा। बिकॉज सी, जब आपका प्रोडक्ट के रिलेटेड बात आती है तो आपको एक स्किल्ड लेबर की उतने लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक लो स्किल की चाहिए। सो सम पीपल विल बी डूइंग द प्रोडक्शन, सम विल बी प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, सो एक एंड टू एंड कोलैबोरेशन बन जाता है। लेट्स से अगर मैं भी एक अकेला पर्सन हूँ और मुझे एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे हैं, मैं कहता हूँ कि सब बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस टाई अप्स हो जाएंगे, दे विल बी कोऑर्डिनेटिंग एज एम्प्लॉय। और सबसे बड़ी चीज है अडेप्टेबिलिटी। देखिए आज की डेट में हर चीज सॉफ्ट में चली गई है। वी आर प्राउड टू से कि आज की डेट में मेरी कंपनी में प्रिंटर का यूज नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, वी आर टोटली ऑनलाइन। हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम तो है, बिलिंग सिस्टम तो है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन तो है, वी आर पेपरलेस। बहुत बढ़िया। सो हम पेपर्स यूज नहीं करते हैं। प्रिंटिंग देखिए कई दफा होता है, एक दो पेज कुछ अर्जेंट के होते हैं, गवर्नमेंट के हैं, कुछ है तो उसकी बात अलग है, बट इन डेली यूज वी आर नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग, वी आर पेपरलेस। चलिए बहुत बढ़िया अंकित, यहाँ पे आपने इतनी सारी बातें बताई, हमारे युवाओं को मोटिवेट आपने किया है। हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे कि आप अपने भविष्य में ऐसे ही और भी तरक्की करते रहें। थैंक यू अंकित। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे।